बच्चों, आज तुम्हें कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी आदमी लिए अपनी बंदूक में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था, जा रहा था। ओहो, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। एक जंगल में सारे जानवर मिलजुल कर और आजाद रहते थे। ऐसे में उस जंगल में एक बूढ़ा शेर आया। अपनी मर्जी से मारकर खाने लगा। इससे परेशान होकर सब जानवरों ने एक निर्णय लिया और शेर से मिलने गए। इस जंगल के हम जानवरों ने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय? से हर रोज एक जानवर आपका भोजन बनकर आएगा। नहीं, मैं क्यों तुम्हारी बात मानूं? ऐसे ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में हम सब मर जाएंगे, फिर आपको खाना नहीं मिलेगा ना? आप भी बूढ़े हो गए, शिकार नहीं कर सकते। सारे जानवरों की फरियाद सुनकर शेर ने कहा, ठीक है। अब बच्चों, हर रोज एक जानवर शेर का भोजन बनकर जाने लगा। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश नियमित समय पर न जाकर जानबूझकर देर करने लगा। हाँ, इतनी देर क्यों? तुम्हें खाने से अब भूख भी नहीं मरेगी। मेरे साथ एक और जानवर भी आया, लेकिन उसे रास्ते में एक और शेर ने खा डाला। इस जंगल में मुझसे ज्यादा बलवान शेर और है क्या? मुझे दिखाओ। आइए महाराज। खरगोश उस शेर को एक कुएं के पास ले गया। महाराज, वो शेर इस कुएं के अंदर छिपा है। शेर उस कुएं में झांका, वहां उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दिया। उसे दूसरा शेर समझकर उसे मारने के लिए कुएं में कूद पड़ा। कुएं से बाहर निकल नहीं पाया और बेचारा मर गया। इस तरह खरगोश ने अपनी चतुराई से उस शेर से जंगल के सभी जानवरों को छुटकारा दिलाया। सभी जानवरों ने खरगोश की तारीफ की और सारे जानवर खुशी खुशी फिर से जीने लगे।